अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार, जो कि बहुत ही बढ़िया तैयार होता है, आप घर में भी बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये दो मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसको मैंने टुकड़े में काट लिए हैं। 10 से 15 मैंने काजू ले लिए हैं, 2 से 3 हरी इलायची ले ली है और 3 से 4 मैंने लौंग ली है। तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटा कप पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको पकाना है, उसके बाद इसका हमें पेस्ट बनाना है। पानी में हमारे उबाल आ गया है, तो सबसे पहले हम टमाटर, काजू, हरी इलायची और लौंग इसको हम पका लेंगे। इसमें हम लगाएंगे ढक्कन, इसमें हमने ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाकर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे, ताकि हमारे काजू और टमाटर सब अच्छी तरीके से गल जाए। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप इसकी जगह कटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, हमारे पास ये पिसा हुआ है इसलिए हमने पिसा हुआ डाल दिया है। अब इसको हम गलने तक पका लेंगे। दो से तीन मिनट हो गए इसको पकते हुए, टमाटर, काजू सभी चीजें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। इसका पानी हम खुद सुखा लेते हैं बिल्कुल। इस तरीके से गल गया है अच्छी तरीके से, इसका पानी सूख चुका है। अब इसको हम ठंडा करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। हमने टमाटर, काजू जो हमने पकाया था, इसका हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब अपना पनीर बनाना शुरू करेंगे। मैंने पैन रख लिया है, इसमें मैं 1 सर्विंग स्पून के बराबर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और ये 1 मीडियम साइज की प्याज है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ते, 1 हरी इलायची जिसका मैंने मुंह खोल दिया है और 2 दालचीनी के टुकड़े। इसको हम हल्का सा पक जाने देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे हमने जो प्याज का पेस्ट लिया है। इसको हम हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने 1 मिनट के लिए भून लिया इसमें। अब इसमें हमने जो काजू और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे तरीके से। और इसी जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसी जार में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर ये मैंने सारा मसाला छुड़ा लिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब इसी में ऐड कर देंगे हम पीसे मसाले। आप चाहें तो कलर का भी यूज कर सकते हैं, या कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर लें, या आप ऑरेंज फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और तीखा भी नहीं होगा ज्यादा। तो मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब भुना जीरा पाउडर। इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसी में हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। और इसी में हम डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे। हम 1/2 कप के करीब हमने पानी डाल दिया है। अब इसको हल्की आंच पर
दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और इसका तेल भी ऊपर आ जाए। तीन से चार मिनट हो गए हैं ग्रेवी को हमारे पकते हुए। देखिए इसका तेल भी ऊपर आ चुका है, इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। यहाँ पे हम आंच तेज कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से एक मिनट के लिए भून लेंगे तेज आंच पर। मसाले को हमने भून लिया है, अब इसमें हम एक छोटा कप पानी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक छोटा कप पानी डाल दिया है, अब यहीं पे हम डाल देंगे हमने जो कसूरी मेथी ली है, ये मैंने सेक कर इसका पाउडर बनाकर रख रखा है, इसको ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और हमने घर घर की मलाई ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, एक से दो चम्मच हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रेवी और अच्छी बनकर तैयार होगी। और मैंने हाफ टी स्पून चीनी ले ली है, ये भी ऐड कर देंगे इसी में, इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन और एक मिनट के लिए इसको और पका लेंगे मीडियम आंच पर। एक मिनट के लिए हमने ग्रेवी को और पका लिया है कसूरी मेथी और मलाई डालकर। अब ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, मैंने चौकोर टुकड़े में काट लिया है, आप अपनी पसंद के कोई भी शेप कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे पनीर और पनीर डालने के बाद हमें इसको बहुत देर नहीं पकाना है, बस एक से डेढ़ मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। हम कर लेंगे हल्का सा मिक्स, बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है नहीं तो पनीर के टुकड़े हमारे टूट जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेज पत्ते निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर पूरा आ चुका है मसाले में इस तरीके से। हम एक मिनट के लिए और पका लेंगे। एक से दो टुकड़े मैंने पनीर के इसको मैश कर लिया है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी तैयार होगी और भी ज्यादा, तो इसको भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसको हम कर देंगे कवर, कुछ सेकंड हम इसको और पका लेंगे। 15 से 20 सेकंड इसको हमने और पका लिया है। पनीर लबाबदार हमारा बनकर तैयार है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। पनीर लबाबदार हमारा बनकर तैयार है, आप इसको पराठे या नान या चावल के साथ किसी भी चीज के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाकर हमें जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। और हमारी रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।